हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रुस्तम वर्सेस सुल्तान की। जी हाँ, आप सोचते होंगे रुस्तम और सुल्तान का कहाँ मैच है, दो अलग फिल्में हैं, बट क्या मतलब सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंशिएशन है। मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोनों फिल्म अपने आप में कमाल फिल्म है, जहां पे सुल्तान इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है, 300 करोड़ के ऊपर उसने बिजनेस किया है इंडिया में। वहीं मैं आपको बात करता हूं रुस्तम की। रुस्तम ने अभी तक जो बिजनेस किया है वो 123 करोड़ तक का किया है और थर्ड वीक के खत्म होते होते वो 130 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब आप सोचते होंगे मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, जहां एक 300 करोड़ के ऊपर फिल्म है सुल्तान यानी सलमान खान स्टारर फिल्म और रुस्तम की। तो आपको बता दूं दोनों फिल्म में बहुत मतलब डिफरेंस भी है, बहुत सारी सिमिलरिटी है। सुल्तान आपको बता दो, सुल्तान ईद के दौरान रिलीज हुई थी और उस वक्त कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, जिससे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला सलमान खान को। आपको बता दो ईद के दौरान वेनसडे था, वेनसडे को फिल्म रिलीज हुई थी और थर्सडे को बहुत अच्छी चली थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 5 दिन का एक वीकेंड मिल गया था सुल्तान को, तो वो कहीं ना कहीं बूस्टअप किया उसकी जो पूरी अर्निंग है फिल्म की। और रुस्तम की बात करूंगा, रुस्तम नॉर्मल डे पे रिलीज हुई, उसके साथ एक और कंपटीशन करते हुए फिल्म उतरी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो रुस्तम का क्लैश हुआ, उसके बावजूद रुस्तम उसमें मतलब उसमें आगे निकल गई। और इसलिए मुझे लगता है कि दोनों फिल्म का अपना अपना एक कहीं ना कहीं बेस है। और रुस्तम की बात करो तो रुस्तम का जो थिएटर ऑक्यूपेंसी था, जो मतलब जो लोग देखने गए थे, वो परसेंटेज ऑफ पीपल था 50-60% लोग देखने गए थे रुस्तम, क्योंकि उसके अलावा जो आधे से ज्यादा लोग थे वो मोहनजोदड़ो तक देखने गए थे। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज थी, जो रुस्तम की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टार्टिंग में रुकी हुई थी। और वही बात करूं सुल्तान की, तो सुल्तान का पहले से ही टिकट हाउसफुल था, अकेली फिल्म रिलीज हुई थी और इतना कमाल की थी। अब मैं बात करूंगा दोनों एक्टर्स के बीच की सिमिलैरिटी को। दोनों एक्टर जब भी फिल्मी पर्दे पे उतरते हैं, चाहे सलमान खान हो या अक्षय कुमार, दोनों कमाल करते हैं। आपको बता दूं सुल्तान का जो अकेले फिल्म का कलेक्शन है जो है 300 करोड़, और अक्षय कुमार की जो तीनों फिल्म का कलेक्शन है, चाहे एयरलिफ्ट हो और दूसरी जो फिल्म हो हाउसफुल 3 और अभी जो रिलीज हुई रुस्तम, तीनों का कलेक्शन भी करीबन 310-320 करोड़ है और सलमान का 300 करोड़। तो एक थोड़ा मतलब तीनों फिल्म की, अक्षय की और सुल्तान की, जो कलेक्शन 300 करोड़ के ऊपर आता है या 300 के बराबर आता है, तो दोनों फिल्मों में दोनों एक्टर में टक्कर तो जरूर है, दोनों एक्टर स्ट्रांग जरूर है। मैं कहीं ना कहीं कंपेयर ज्यादा नहीं करूंगा कि अक्षय कुमार बहुत ज्यादा बढ़िया है या सलमान बहुत ज्यादा बढ़िया है। दोनों फिल्म की ग्रोथ का मतलब कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ क्यों दोनों फिल्म इतनी चली। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान का जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में तो है, उसके साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और जितने भी अरब कंट्रीज है, यूएसए भी और जो ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है सलमान खान की, जिस वजह से ये फिल्म 300 करोड़ का ऊपर आंकड़ा पार कर पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता है किसी फिल्म को कि 300 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार करे। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने करीबन करीबन 600 करोड़ के ऊपर का करीबन करीबन टोटल पार किया था सुल्तान ने। वहीं देखा जाए तो एडलिफ्ट बहुत अच्छी चल रही है, एडलिफ्ट अपना जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 200 करोड़ तक पार कर लेगी कुछ दिनों में। तो दोनों फिल्म आप देखिए, दोनों फिल्म की अगर मैं बात करूं, दोनों फिल्म में कहीं ना कहीं जो है एक ही तरह का मतलब एक फील है, मतलब लोग दोनों एक्टर्स को पसंद कर रहे हैं और इसीलिए ये दोनों स्टार ही फिलहाल 2016 के सबसे बड़े स्टार है। और सुल्तान सलमान खान जो है वो सबसे एक लीग में आगे है कलेक्शन की बात करें तो, और कहीं ना कहीं फिल्मों की सक्सेस रेट की बात करें कंसिस्टेंट बेसिस पे तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कंसिस्टेंट वे में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उस लिहाज में अक्षय कुमार के आगे कोई खड़ा साबित नहीं होता है। तो ये दोनों एक्टर का अपने अपने आप में एक जलवा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अक्षय कुमार की जो रुस्तम है उसे कंपेयर कर दिया जाना चाहिए सुल्तान से, क्योंकि थोड़े दिनों बाद अक्षय कुमार की रुस्तम जो एयरलिफ्ट का रिकॉर्ड है अक्षय कुमार की खुद की फिल्म का वो तोड़ देगी और करीबन करीबन 135 से 40 करोड़ तक का उसका लाइफ टाइम अर्निंग होगा और उसी के साथ रुस्तम सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी और वहीं फर्स्ट मुकाम पर जो रहेगी सुल्तान 300 करोड़ के साथ वो टॉप पे बनी रहेगी। तो ये दोनों फिल्म फर्स्ट सेकेंड रहेगी, इसलिए मुझे लगा इस दोनों फिल्म का कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है और ये दोनों फिल्म मुझे ऐसा लगता है साल के एंड तक भी हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी रहेगी इस साल की। कुछ बॉलीवुड खबरें आपको पता चलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपको क्या लगता है रुस्तम और सुल्तान के जो मैंने
कंपैरिजन किया, आपको कैसा लगा वो कंपैरिजन, और कुछ अगर आपको डाउट लगे, कुछ अगर बॉलीवुड की खबरें आपको जाननी हो या आपके माइंड में कुछ और पूछना हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ों का आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो कुछ बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।